हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है कच्चे केले और आज हम बनाने वाले हैं कच्चे केले के चिप्स। तो ये केले के चिप्स से बनाना चिप्स हम बनाने वाले हैं। चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका जो है छिलका हटा देंगे। दोनों साइड से कट कर देंगे। अब इसके ऊपर एक हम चीरा लगाएंगे और इसके जो ऊपर का कवर है ना, ये निकालेंगे। देखिए इस तरीके से ऊपर से हल्का हल्का पहले इसका छिलका हटा देते हैं, या तो आप इसको इस तरीके से छीलते जाइए। कच्चे केले ना बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसके चिप्स जनरली साउथ में, केरला वगैरह में इसके चिप्स बहुत ही पसंद से खाए जाते हैं। इसके ऊपर का छिलका हटा दिया है। पके केले होते हैं ना तो उनका छिलका तो बड़ी आसानी से निकल जाता है, लेकिन ये कच्चे केले का छिलका इतनी आसानी से निकलता नहीं है, है ना। तो इसको थोड़ी सी सावधानी से निकलना पड़ता है। ऐसे पहले छील लेंगे ऊपर से हल्का हल्का। ये देखिए, ये हमने जो है ये केले, इनके छिलके हटा दिए हैं। अब हम इनको अच्छे से धो लेंगे। ये हमने इनको अच्छे से धो लिया है। अब हम इसके चिप्स बनाने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, एक बाउल में थोड़ा पानी ले लेंगे, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक आधा चम्मच और थोड़ा सा हल्दी का पाउडर। अब हम चिप्स मेकर की सहायता से चिप्स बनाएंगे। तो ये देखिए, डायरेक्ट हम ये पानी में ही इसके चिप्स बनाने वाले हैं। देखिए, इनको थोड़ा सा स्लैंटिंग पोजीशन में रखने से क्या हुआ कि ये थोड़े से लंबे से बने हैं चिप्स। अगर आप ऐसे सीधा रखेंगे तो इसके चिप्स गोल गोल बनेंगे। ये देखिए, अगर आपने सीधा रखा तो गोल बनेंगे, और थोड़ा स्लैंटिंग पोजीशन में अगर आपने रखा तो इसके चिप्स इस तरह से लंबे और बड़े बन सकते हैं, है ना। तो आपको जैसे पसंद है वैसे आप चिप्स बना लीजिए। हल्दी थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने और डाल दी, और थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है। हल्दी डालने से इसका कलर जो है ना हल्का सा पीला हो जाता है। अब इसे हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। इस पानी में से डायरेक्ट निकालना ही नहीं, इसको हमें अब अच्छे से वॉश कर लेना है। ये पानी फेंक देंगे। अब इसको देखिए, हमने वॉश कर लिया है, इसमें जो एक्सेस हल्दी और नमक था वो सारा निकल गया है। और चलिए अब इसे हम फ्राई करते हैं। ये देखिए, कढ़ाई में तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे चिप्स, ये जो केले के चिप्स है ये डालेंगे। इसे पलट देंगे, थोड़ा सा सिक जाए तो इसे हम पलटते जाएंगे, और इसे बढ़िया करारे होने तक हमें फ्राई करना है। देखिए,
इसमें हमने पहले ही थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल दिया था, इसीलिए क्या है ना, इसमें ऊपर से अलग से नमक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही हल्दी वगैरह। इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा और ये बहुत ही टेस्टी चिप्स भी बहुत ही टेस्टी लगेंगे। इस तरह हम बाकी के चिप्स भी डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी हमारे ये बनाना चिप्स बनके तैयार हो गए हैं। देखिए कितने क्रिस्पी है। है ना, बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही टेस्टी ये बनाना चिप्स रेडी है। आप भी बनाकर देखिए और हमें बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी।